हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई एक ट्रिक, ऐसे बच्चे बहुत से कमेंट्स करते हैं कुछ ट्रिक्स बताइए, तो आज मैं एक छोटी सी ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कई परीक्षाओं में हमने भी देखा, यूपी टेट में और आपका एसएससी में और ये रेलवे में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि आज ट्रिक है किसी संख्या के गुणक ज्ञात करना, यानी गुणक आप ज्ञात करना है और वो भी 5 सेकंड में। गुणक होते क्या है पहले ये मैं बता दूं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 4 के गुणक, तो 4 के गुणक का मतलब है कि 4 संख्या जो है वो कितनी संख्या से कट सकती है, तो इसे आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से और 3 से, इसका मतलब इस 4 के 3 गुणक हैं। अगर कोई पूछे आपके 6 के, तो 2 से कट सकता है 6 आपका, देखिए 1 से 2 से 3 से और 6 से, यानी 4। तो छोटी संख्या के गुणक निकालना आसान है, लेकिन बड़ी संख्या के गुणक कैसे निकाले जाए वो भी विदिन 5 सेकंड के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं इनको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी संख्या आपकी दी हो, जैसे 32 है तो मैं 32 को आपको लिख के बता रहा हूँ, 32 के आप कर लीजिए गुणनखंड, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हमारा कट गया पूरा। इसको हम पावर्स में लिख रहे हैं तो 2 की पावर 5। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास संख्या है 20, तो आप 20 को भी लिख लीजिए। फिर मैं आपको एक साथ बताता हूँ जिससे आप तुरंत 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5। लेकिन इनसे अभी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कितने इसके गुणक होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए आप इसके गुणक कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले दी गई संख्या को आप काट लीजिए, मतलब उसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद आप उसे 1 को मत लिखिए, जैसे इसको 1 की पावर 1 नहीं लिखना है, उसको छोड़ दीजिए 1 के अलावा। जितने आप इसमें कितने गुणक होंगे, तो गुणक का फार्मूला याद रखें, गुणक जो पावर हो उसमें 1 ऐड कर दो, इसकी पावर 1 है 1 ऐड कर दो, 1 2 गुणा कर दो, 2 3 6, इसका मतलब 20 के 6 होते हैं। कैसे, एक बार ये भी देख लीजिए, 20 को आप 1 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, और ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी और 20 से भी, तो 3 और 3 आपके 6 हो गए। ठीक इसी प्रकार से अगर 32 के पता करना था, तो 32 के गुणक क्या होगा, 5 प्लस 1 और तो कुछ है नहीं, तो 6, यानी इसके गुणक 6 होंगे। इसके भी आप देख सकते हैं, 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा आपका, 4 से कटेगा ये, 8 से कटेगा, 16 से और 32 से, इस प्रकार ये देखें 3 3 6। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के गुणक कैसे निकाले जाएं, तो ठीक उसी प्रकार से उसको आप काट लीजिए, उसके बाद उन्हें पावर्स में व्यक्त कर लीजिए। व्यक्त करने के बाद जितनी पावर है 3 तो 1 4 कर लीजिए, 2 है 1 बढ़ा लीजिए, 3 1 है तो कर दीजिए 2, तो 4 3 12 2 24। तो आज की ये छोटी सी वाली ट्रिक थी कि आप किसी भी दी गई संख्या के गुणक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले उनके हम फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर में ये ध्यान रहे कि ये फैक्टर जो है अभाज्य होने चाहिए, किसी कटने नहीं चाहिए, 4 से नहीं काटना है, 6 से नहीं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड की जो पावर्स होंगी उसमें एक एक ऐड करके कर देंगे गुणा, सिंपली आप निकाल लेंगे गुणक कितने होंगे किसी संख्या के गुणक। ये थी आज की हमारी ट्रिक, मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरी ट्रिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।